नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों आप सीआरपीएफ में है जो यहाँ पर है, इनको पुरस्कार भी मिल चुका है ना, राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक मुझे मिला था 26 जनवरी 2017 को। ददेन प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने दिया था। और 9 अप्रैल 2018 को अभी वर्तमान जो उपराष्ट्रपति है श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने जो है मुझे वीरता पदक देकर सम्मानित किया है। तो चलिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। और मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अयांश बिहार का बच्चा है, हम लोगों का बच्चा है। और जिस तरह से बिहार सरकार की निष्क्रियता कहिए या संवेदनहीनता कहिए, उससे मैं काफ़ी आहत हूँ। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के लेवल पर देखी जाए तो 16 करोड़ अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती है। मैं क्षणिक जो कल एक कार्यक्रम है उसका जिक्र करना मैं यहाँ पे बेहद जरूरी समझता हूँ कि आरसीपी सिंह जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं कल बिहार आ रहे हैं और उनके स्वागत समारोह में करोड़ों रुपया का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कुछ भी नहीं होना है। एक मंत्री जो है सिर्फ उनको खुश करने के लिए उनपे कई करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। अगर वही पैसा खुद आरसीपी सिंह कहते अपने समर्थकों को कि ये पैसा अगर मुझे स्वागत करना है तो सच्चे अर्थों में और सार्थक स्वागत होता अगर आप अयंश के माता पिता को डोनेट कर देते, तो ये बहुत बड़ी बात बिहार के लिए होती। लेकिन यहाँ पे आप संवेदनहीनता बोल सकते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ कि किसी भी तरह से आप देखिए, जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि कहीं कोई स्कीम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक स्कीम होता है। आप टैक्स ही फ्री करवा दीजिए, जो इंजेक्शन की राशि है और उस पर जो टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से मोदी जी से मिलके अगर आप टैक्स ही फ्री करवा दें तो 16 करोड़ की राशि शायद 10 या 11 करोड़ में परिवर्तित हो जाए, तो एक बहुत बड़ी मदद उनके माता और पिता को होगी। और इसके अलावा जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं बिहार के, जितने भी उद्योगपति हैं, गरीब लोग, गरीब तबके के लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मैं अपील करना चाहता हूं ब्यूरोक्रेट्स से और जो भी उद्योगपति बिहार के हैं, बिहार से बाहर रह रहे हैं या जो एनआरआईज हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप बढ़ चढ़ कर मदद करें। क्योंकि अगर आप योगदान देंगे तो ये जो राशि है, आप बढ़ चढ़ कर योगदान देंगे तो 1 से 2 दिन में ये राशि मुकम्मल हो सकती है, पूरा हो सकती है और हम अयांश की जान बचा सकते हैं। आज अयांश को बचाने के लिए आप आए हुए हैं, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नीरज कुमार सिंह हुआ और मैं पटना जिला का बाढ़ निवासी हूं। और लगभग 20 साल सीआरपीएफ में सेवा करने के बाद मैंने इसी वर्ष सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया है। अयांश को बचाने के लिए अयांश को कैसे पता चला कि मुझे इनके पास जाना चाहिए? सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी ज्ञात हुआ कि अयांश हमारा बिहार का बच्चा है और इस तरह शायद SMA बोलते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की समस्या से ग्रसित है और इसके समुचित इलाज के लिए 16 करोड़ का जो इंजेक्शन है वो देना अनिवार्य है। और इस पूरी मुहिम में मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, उनके माता पिता की तरफ से भी, और एक बिहार और भारत का नागरिक होने के नाते भी मैं मीडिया कर्मी को मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है और इस बड़ी मुहिम के माध्यम से ही जन जन में जो आवाज़ पहुंची है, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में हो, या लीडर्स के पास पहुंचे या उद्योगपति के पास पहुंचे, आज मैं एक देश का सैनिक रहा हूं, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला, उपराष्ट्रपति महोदय ने भी सम्मानित किया। और मुझे लगा कि 15 अगस्त कल है, स्वतंत्रता दिवस हमारा देश का है और उसकी पूर्व संध्या पे आज मैं अयांश के घर पहुंचा हूं, तो मुझे भी दिल से बड़ी अनुभूति सी हो रही है कि अयांश जल्द से जल्द ठीक हो। और मेरी दिली इच्छा है कि जो इंजेक्शन इनको लगना है अयांश को जल्द से जल्द लगे, स्वस्थ हो। और मैं तो यही एक सैनिक होने के नाते, एक सीआरपीएफ अधिकारी, भूतपूर्व सीआरपीएफ अधिकारी होने के नाते मैं ये करूंगा कि हमारा भी जो अयांश है ये बड़ा हो और देश सेवा में आगे आए, तो यही मेरी मनोकामना है। तो चलिए दोस्तों, हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।